हाँ तो बच्चे लोग, आज हम लोग का बात होना है कॉकरोच पे। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। इसको जबरदस्ती का हम लोग ऐसे पेरी प्लानेटा अमेरिकाना बोलते हैं, जबरदस्ती का। जबरदस्ती का बोलने से मेरा सिंपल सा मतलब ये है, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, जबरदस्ती बोलने का मेरा मतलब ये है कि जो कॉकरोच है ये असल में इंडिया में मिलता है, लेकिन ये इंडिया का नेटिव नहीं है। नेटिव इन द सेंस कि इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ। ठीक है, ये जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना है ये एक अमेरिकन कॉकरोच है। ठीक है, ये अमेरिका में बेसिकली मिलता था, और अमेरिका से चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारा चीज इम्पोर्ट होता है बड़े बड़े शिप्स के थ्रू, तो जब बहुत सारा चीज जब इम्पोर्ट होता था ना साथ में, तो इसी इम्पोर्टिंग में कई बार अनाज के साथ गलती से ये पेरी प्लानेटा अमेरिकाना इंडिया आ गया। ठीक है, पेरी प्लानेटा अमेरिका का इंडिया आने का कहानी समझ गए, अनाज के साथ बड़े बड़े जहाज के थ्रू इंडिया आया था, और ये कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। कॉकरोच एक स्पीसीज है। ठीक है, और इस पेरी प्लानेटा में जैसे देखो नाम है पेरी प्लानेटा, ये जेनरिक नेम है ना, स्पीशीज का नाम तो अमेरिकाना है, यानी कॉकरोच में और भी स्पीशीज मिल सकते हैं, यही बात आया ना। तुम्हारे सामने भी डायग्राम है, इस कॉकरोच में, इस कॉकरोच में, इस कॉकरोच में, देखो अंतर देख रहे हो, अंतर दिख रहा है सबको, बोलो। फिर कौन कौन से कॉकपिट में? अच्छा, ये कॉकरोच देखो, यहाँ कॉकरोच देखो, ये वाला, फिर यस देखो सर, इसमें अंतर देखो, ओके, और दिखाता हूँ, देखो मैंने जापान में इस तरह कॉकरोच कॉकपिट मिलता में, है, देख रहे हो, यस सर, ये तो कुछ और है, ये बताऊंगा क्या होता है, आगे पढ़ता हूँ। और कॉकरोच का इमेज, अच्छा इतना काफी। हाँ एक ये देखो, ये देखो येलो, येलो कॉकरोच तो हम लोग भी देखे होंगे कभी, तो ब्राउन दिख गया, येलो दिख गया, ग्रीन भी होता है, देखो थोड़ा ग्रेइश है, ग्रीन कॉकरोच भी होता है। खैर एक हमको डायग्राम दिखा दो, हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखो ये डायग्राम दिखा सबको, देखो ये भी अंतर है, देख रहे हो, अलग अलग ब्रीड ब्रीड है, देखो ये अलग है, ये अलग है, देखो उसका विंग देखो, विंग देखो कैसा है, पंख, टाइप पे देखो, ये भी कॉकरोच है, देखो ये ग्रीन कॉकरोच दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट ब्लैक है, देखो कितने तरह का कॉकरोच, हो ऑस्ट्रेलियन स्मोकी ब्राउन कॉकरोच, ओरिएंटल जो इंडिया का नेटिव है, ओरिएंटल रीजन, ये अमेरिकन जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन है, ये जर्मन है, ये ब्राउन बैंडेड कॉकरोच, देख रहे हो वैसे वाइन का बात हो रहा है, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश है ना, ये इंडियन है, ये वाला ओरिएंटल रीजन में आता है इंडिया, और ये अमेरिकन कॉकरोच जो हमारे घर में सबसे अधिक मिलता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो कॉकरोच में हम लोग जो बेसिकली स्टडी करेंगे वो करेंगे पेरी प्लानेटा अमेरिकाना पे, इंडियन सॉरी अमेरिकन कॉकरोच जो इंडिया आया एज अ कंटामिनेंट, कंटामिनेंट यानी जो जहाज आ रहा था, जो फसल आ रहा था उसके साथ कंटामिनेशन के फॉर्म में इंडिया आया। ठीक, तो नॉर्मली ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होता है, नॉर्मली ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होता है। हाँ, नॉर्मली ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होता है, लेकिन ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर भी मिल जाता है ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल यानी हमारे इंडिया के आसपास वाला रीजन। ठीक है, अब इसका बात साइज का बात करते हैं, कॉकरोच का साइज 1/4 इंच यानी 0.25 इंच से लेकर 3 इंच तक हो सकता है। अगर हम इसी को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर,
यानी कि 30 भी हो सकता है और 7.6 मेरे पास अभी स्केल नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इतना बड़ा हो रहे हो, ऑलमोस्ट ये वाला लेंथ, ये वाला ऐसे नहीं इधर रहता है, ऑलमोस्ट ये इतना बड़ा लेंथ, 7 का तो होगा ही होगा, इतना बड़ा कॉकरोच होता है, तो इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा 0.6 भी, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम, इतना भी हो सकता है, ये याद दिख रहा होगा, इतना खैर साइज याद रखना है। नॉकटर्नल होते हैं वो और ओमनिवोर होते हैं। कॉकरोच को अगर आप मटन खिला दो, चिकन खिला दो, अंडा खिला दो, वो भी खा लेगा, कई बार देखते हो कहीं कुछ मरा हुआ चीज को खा रहा है कीड़ा उड़ा, और चावल आलू ये सब भी खा लेता है। तो कॉकरोच और ओमनिवोर ये वेज भी है नॉन वेज भी, मेरे कैटेगरी में आता है, खुद से खाना हो तो प्योर वेज, कोई और खिला तो नॉन वेज भी चलेगा, समझ रहे बात। तो ये कॉकरोच ओमनिवोर है, एंड द सेकंड थिंग ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल यानी जो रात के समय ज्यादा एक्टिव हो, है ना, चमगादड़ वाला, तुम लोगों से बहुत हो गया चमगादड़ के समय, दिन में देखोगे रात में देखोगे, ये भी नॉकटर्नल होता है। ठीक है, यहाँ पे मगर एक बताइए, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए सब लोग, हाँ ना करते रहना, बार बार बोल रहा हूँ, हाँ ना करते रहना, कोई दिक्कत सर? नोट्स कब लिखेंगे? नोट्स हम आपको ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, ऐसे टेलीग्राम पे है ये पहले से, जो टॉपिक चूंकि ये पीडीएफ में पढ़ा दिए थे इसलिए वही यूज कर रहे हैं, इसके बाद डाइशन चल रहा है तो डाइशन अगर पढ़ाएंगे तो वो भी वही वाला यूज हो जाएगा, अगर कुछ नया पढ़ाएंगे जो यहाँ पहले पढ़ा रहे तो यहाँ लिखवा लिखवा के पढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे पीडीएफ जाएगा। खैर चूंकि सिलेबस को थोड़ा तेज भी करना है ना तो हम लोग एक ही चीज बार बार लिखेंगे तो बेवकूफी, बट खैर रेशमा अनम्यूट करो, एंड आई वांट यू कि आपका कैमरा भी ऑन होना चाहिए, जिससे बात करें उसका कैमरा ऑन होगा। यस सर। ठीक है, नॉकटर्नल किसको बोलते हैं? नॉकटर्नल अभी बात कर रहे थे हम लोग नॉकटर्नल का, पर पता नहीं अभी बात की और तुमको पता नहीं है इसीलिए बोला था, रेडी रहो। खैर कशिश कैमरा ऑन करो, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या था? नहीं याद है। अभी सुनो सब लोग अपना ऑडियो अनम्यूट करो, एवरीवन आप सबको, भले ही हम कुछ लिखने नहीं दे रहे हैं, लिखने का टाइम नहीं दे रहे, लेकिन सबके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और कीवर्ड्स सब लिखेगा, क्लास खत्म होते के साथ किस तरह के कंडीशन में भी, एकदम मौका नहीं मिल रहा फिर भी आपको आपका कॉपी भेजना है लिखा हुआ कि आप एक एक वर्ड ही लिखे हो, लेकिन लिखे हो, जैसे इस वाले में ज्यादा कुछ नहीं लिख पाए, पेरी प्लेनेट अमेरिकाना में तो समय दिए थे ना वहां लिख लेते, फिर यहाँ समय दिए थे साइज में, ये लिख लेते 0.5 to 0.25 inch, नॉकटर्नल लिख लेते, एक एक वर्ड ही कम से कम हर पॉइंट से लिखना है। सुन लो सब लोग, अभी हम एक मिनट दे रहे हैं, सब लोग अपना कॉपी अगर नहीं हो लेके बैठो कॉपी पे, एक एक वर्ड ही सही, हर लाइन का एक एक वर्ड हमको चाहिए, क्लास खत्म हो फटाफट हमको पर्सनली भेज देना तुरंत, उसके बाद ही लीव करोगे, लाइव क्लास को लाइव क्लास का डील करना है। बोलो क्या कर रहे हो? मोटा वाला कॉपी मांग रहे थे, कोई भी कॉपी मोटा वाला सर, ये अभी नोट करना है, अभी नोट पकड़ी हुई है, इसको एग्जैक्टली अच्छे से नहीं करना है, इसको एग्जैक्टली अच्छे से नहीं करना, आपको सिर्फ कीवर्ड लिखना है, ठीक है, कीवर्ड यानी जैसे पाला में कॉकरोच पेरिकलेट अमेरिकाना लिख लीजिए, हेडिंग तो सब डालता है, नॉर्मली ब्राउन और ब्लैक ये तो लिख सकते हैं, उसके अलावा साइज 0.25, तुम कुछ भी लिखो, ये एक रफ कॉपी में हमको चाहिए, नोट्स कॉपी में नहीं चाहिए, रफ कॉपी या कॉपी के पीछे कीवर्ड्स लिखना है, कीवर्ड्स कि आप क्या, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि क्या क्या पढ़े तुरंत क्लास के बाद, तो थोड़ा सा तुम मेरी तरह पढ़ा पाओगे, नहीं बोलोगे ना हाँ सर कॉकरोच पढ़े, उसका कलर पढ़े, उसका साइज पढ़े, फिर पढ़े कि वो रात में एक्टिव होता है, ऐसे समझ रहे बात, डिटेल्ड नहीं बट क्या पढ़े हमको सबको ये लिखना है, ठीक है।
अगर लग रहा था कि लाइव क्लास ढीला होगा तो ये गलत फहमी है, अब तो मास्टर हो गया लाइव क्लास देने का। चलिए आगे बढ़े, सब लोग कॉपी पेन ले लिए? सर दो मिनट ऊपर कीजिए ना, एक लाइन लास्ट लिखना था। ये तो बाद में लिख लेना, हम पूरा पीडीएफ भेज देंगे। फिर तो आप ही ना बोले शॉर्ट नोट्स भी निकले। शॉर्ट नोट में मतलब एक एक वर्ड लिखो, हर लाइन से एक वर्ड बस। हाँ, और वो पढ़ाते पढ़ाते डिटेल तुमको लिखना है, जब तुमको पीडीएफ भेज देंगे तो एग्जैक्टली इसको उतार लेना है। हो गया सर। हो गया, चलिए सर एक मिनट बस। लो भाई हम एक पांच हो रहा है, एक छह होने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। हो गया सर। हो गया। अच्छा तुम लोगों के साथ आफरीन आफिया, तुम लोगों से एक कशिश याद है, कशिश खान? हाँ। वो विद्यापीठ ज्वाइन करी और उसको ऑफिशियली हम मिले पीडब्ल्यू में। हाँ सर, हाँ हाँ बता चुकी है। बोल रही थी? हाँ बोल रही थी। अच्छा मैसेज की सर आप विद्या साहब थे, मैं बोले था, बोले सर पहले पूरा पूछ रही, फिर बोले अचानक इतना क्यों पूछ रही है, कहीं देगी लाइव? बोले सर मेरे भी आप ही पूछ रहे। खैर चलो, नाउ वी विल बी टॉकिंग टुवर्ड्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि आपको कोई चीज बाहर से कैसा दिख रहा है, जैसे कल मीटिंग में देखे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा था, आज दाढ़ी छोटा हो गया, दिस इज मॉर्फोलॉजी। अब मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा एक किडनी थोड़ा ज्यादा लाल हो गया है, या एक लीवर थोड़ा बड़ा हो गया, लीवर ऐसे एक ही होता है ना, या एक लंग्स में हवा है एक लंग्स में हवा नहीं है, या आपका ये वाला ब्लड में से थोड़ा जाम हो रहा, ये सब एनाटॉमी है। आपके बॉडी के अंदर का वो पार्ट जिसको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको कट करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। टॉमी कुत्ता का नाम है और वो हमेशा कट में करता है ना, तो टॉमी यानी काट के देखना है भाई। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी जो बाहर से दिखे, आप लंबे हैं छोटे हैं मोटे हैं पतले हैं गोरे हैं काले हैं, समझे, ये सब मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें कॉकरोच के बारे में तो सबसे पहले इसका खानदानी इतिहास निकाल है ना, जिसके बारे में भी हम लोग बिहारियों का आदत है पहले मिलता है, अच्छा किसका बेटा या बेटी हो, अच्छा किसका, हाँ तुम्हारे दादाजी को जानते थे, हाँ मेरे साथ घूमते थे बचपन में, लोग ये करते थे, कहानी करते हैं लोग ऐसे ही। कॉकरोच कहाँ से आता है भाई? तो कॉकरोच एनिमल है, एनिमल किंगडम में आएगा, और जब हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा फाइलम में, ठीक है, फाइलम। कॉकरोच कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग्स। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, और आर्थ्रोपोडा यानी ज्वाइंटेड लेग्स मतलब यही पे एक बार डन हो गया, हाँ यही पे एक बार डन हो गया कि इसका लेग भी ज्वाइंटेड होगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम था, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। भैया हाँ बोलो, म्यूट करने को सबको बोलिए ना, आवाज आ रही है, हल्का फुल्का आवाज इतना चलता है, बट ठीक है, और लोग म्यूट कर लो, बोलना हो तो अनम्यूट करना। खैर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन अनम्यूट है, अमन अनम्यूट करो तो बेटा। हाँ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। और इसका जो क्लास है, जैसे देखो हम बताए थे ना किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे बच्चे हो तो पहले हम डिवाइड करेंगे कौन क्लास में हो, तो कोई इलेवेंथ कोई ट्वेल्थ कोई कहीं, या उससे भी पहले स्कूल चुनेंगे कौन स्कूल सब, तो सब बोले सर हम इस स्कूल से, मान लो डीएवी, जैसे हम डीएवी से, तो डीएवी सारे के सारे डीएवी, तो डीएवी में जाने के बाद फिर बोलेंगे किस क्लास में, अलग अलग क्लास बताओगे सब अलग अलग हो जाओ, फिर पूछेंगे किस सेक्शन में, सबका सेक्शन अलग हो जाएगा, फिर बॉयज या गर्ल्स,
उसमें ग्रुप बट गया, मतलब बेंच बट गया, अलग अलग रोज होता है ना, उसके बाद कौन सा ग्रुप तुम्हारे ग्रुप तक पहुंचेंगे, कौन सा बेंच तब तुम्हारे बेंच तक पहुंचेंगे और फिर तुम तक पहुंचेंगे। वैसे ही सबसे पहले कॉकरोच को डिवाइड करें, एनिमल, प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा क्या है, तो हुआ एनिमल है, ठीक है। एनिमल में किस फाइलम में है भाई, तो आर्थ्रोपोडा में है। उसके बाद पूछे आर्थ्रोपोडा के किस क्लास में है, तो वो क्लास का नाम है इनसेक्टा। जैसे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उसी तरह ये इंसेक्टा भी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास है। इंसेक्टा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास है। ठीक है, तो कॉकरोच का इतिहास पता चल गया भाई साहब, इसका सगे संबंधी क्या ऐसा खानदानी का इतिहास निकल गया, वो एनिमल है, वो आर्थ्रोपोड है और इंसेक्टा क्लास में आता है। इसके बाद का भी डिवीजन था, किंग प्लेचेस की बात किए हैं, ऑन फाइन ग्रेन सैंड बचा है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अभी के लिए गणित देते हैं। अगला पॉइंट, सबसे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी होता था ना, लेवल 1 में पढ़े थे ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हम लोग सिर्फ इसका किंगडम, फाइलम और क्लास का ही बात कर रहे हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे लार्जेस्ट या सबसे कॉमन स्पीसीज हमारे इंडिया में कौन है, तो भाई साहब सीधा नाम आएगा कॉकरोच का, सबसे कॉमन स्पीसीज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। बकायदा ये इंडियन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यही मिलता है, मतलब ये अगर हम भी अपने लैब का बात करें, इस लैब में हम हैं, यहाँ पे सबसे अधिक बंगाली लोग है मेरे लैब, भले ही मेरा लैब दिल्ली में है बट यहाँ सबसे अधिक बंगाली है। लैब दिल्ली में है बट सबसे अधिक बंगाली, ये अलग बात, कहाँ पे है ये डिफरेंट थिंग, कौन ज्यादा है ये डिफरेंट थिंग। तो हम ये अलग बात है कि ये जो कॉकरोच है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये इंडिया का नेटिव नहीं है, यहाँ उसका अपना घर नहीं है, वो था अमेरिका का लेकिन आ गया इंडिया, और इतना ज्यादा आ गया कि अब इंडिया में सबसे अधिक वही रहता है। तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। देखो इस बार मिलीमीटर में उसका साइज बताए, यहाँ पे पहले इंच में बात किए थे, फिर सेंटीमीटर में बात किए, और अभी बात किए मिलीमीटर में। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, नहीं ना? यस सर, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ये सर प्रॉब्लम है ये, बोलो सर, ये लेंथ वाला में ये जो यहाँ पे मिलीमीटर में कैसे? ये जो सेंटीमीटर है 0.6 सेंटीमीटर, इसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट करा है, और ये ओवरऑल था, ये ओवरऑल लेंथ है कॉकरोच का, बट यहाँ पे जो लेंथ है मिलीमीटर में, ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का है। ठीक है, ठीक है सर, तो वो भी तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का ही था ना, हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यहाँ पे इंफेक्शन ओवरऑल था, तभी तो देख रही हो सबके बात करें, साइज का, कलर का, सबका सबका बात की, तो यहाँ पे साइज बताए, रेंज बताए, 0.6 से 7.6 तक मिल सकता है, जिसमें से पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना 34 टू 53 मिलीमीटर में मिलता है, यानी छोटा होता है। ठीक है, यस यस। अब देखो एक टर्म होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, आगे इसमें ही पढ़ना है बट हम अभी ही बता रहे हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि किसी स्पीसीज को बाहर से देखकर ये बता देना कि वो मेल है या फीमेल, यानी उसका जेंडर के बारे में बता देना, किसी स्पीसीज को बाहर से देखकर उसके जेंडर के बारे में बता देना, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखकर उसके जेंडर के बारे में बता देना, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे अगर हम हो और यहाँ कोई मैम हो आपके सामने, तो आप देख के बता दोगे ना, मैम इज फीमेल एंड आई एम मेल, ये है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी ह्यूमन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो होता है। अब देखो डॉग है तो मेल डॉग है कि फीमेल डॉग है आप देख के बता सकते हो, लेकिन हाइड्रा है
दोनों तो एक ही तरह का दिखेगा, कैसे बताओगे कोई मेल हाइड्रा है कि फीमेल हाइड्रा है, समझ रहा है बात? तो हाइड्रा में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो नहीं होता है, हमारे में होता है, अलग अलग मैमल्स में होता है, कहीं नहीं होता, बट कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। यानी आप कॉकरोच को देखकर ये बता सकते हो कि वो मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, कॉकरोच को देखकर आप बता सकते हो कि वो मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, कोई दिक्कत तो बताइए इसमें। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म समझे नहीं समझे बोलो, अरे बोलो, समझ गए ठीक। ये नहीं सोचना कि कोई तो बोल देगा, सबको बोलना है। हाँ बोलो सर, क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को एक्सटर्नल फीचर्स के रूप में मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं? ऐसा बात है, वो मॉर्फोलॉजी से तो देख रहे हैं, बाहर से तो देख रहे हैं कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। यस ठीक है, तो अब हम किस पे बात अगर करें तो जो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच आप देखो तो दो तीन अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर नंबर वन, मेल कॉकरोच में ही सिर्फ पंख होगा, यानी अगर कॉकरोच आपके पास टहलते टहलते आ गया आपने दोस्ती करने और उड़ने लगा, आप समझ लो ये मेल है, समझ गया बात? ओनली मेल कॉकरोच हैव विंग्स, ओनली मेल हैव विंग्स, तो ये मेल का सिंबल है। अगर आप कॉकरोच देखे और वो उड़ रहा है मतलब वो मेल है, और जो उसका पंख होता है ये उसके पेट के पीछे तक होता है। देखो डायग्राम दिखा रहा हूं, वही उल्टा कॉकरोच दिखे तो दिखाना, उल्टा कोई कॉकरोच दिख नहीं रहा उल्टा। हाँ देखो यहां देखिए, काम मारा हो गया ना, देखो इसका एब्डोमेन यहां तक है लेकिन देखो पंख उसके बाद तक है, देख रहे हो एब्डोमेन यहीं तक है लेकिन पंख उसके बाद तक है, देख पा रहे सब लोग? बोलो यस सर। तो इनमें जो कॉकरोच होता है उसमें जो विंग होता है वो एब्डोमेन के बाद तक होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं, विल बी इन दिस क्लास फॉर 15-20 मोर मिनट्स। हम दूसरा आपको तुरंत मीटिंग स्टार्ट कर लिंक भेज रहे हैं, तुरंत ज्वाइन करिएगा।